लॉलीपॉप दे दो। ये आपका लॉलीपॉप आ गया मजे मजे का, ये अभी नहीं खाना, कपड़े सारे खराब हो जाएंगे। और ये देखो ये क्या है, आहा, ये चॉकलेट है, ये भी आपकी है, मजे की है ना। नहीं अभी नहीं खोलना, अभी सारे ये देखो आपके इतने प्यारे से कपड़े हैं, मुझे तो आपके कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर आज का जो व्लॉग है हमारे किचन से शुरू हो रहा है, तो किचन में बन रहा है इस वक्त नाश्ता जो कि आप देख रहे हैं। तो आज सबका मुख्तलिफ जो सबका चीज़ें खाने को दिल कर रहा था बच्चों का, तो वो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस वक्त बच्चों के लिए अंडे। और कोई बच्चा कह रहा था कि मैंने हलवा पूरी खानी है, कोई कुछ कह रहा था, तो सबकी फरमाइशें आज मैं पूरी कर रही हूँ। जिस जिसका जो जो दिल कर रहा था तो उन सबको बना के दिया, और कुछ चीज़ें बाहर से भी आई हैं। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ इस वक्त फ्रेंच स्लाइस। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मामा मुझे फ्रेंच स्लाइस बना दें, तो ये मैं उसके लिए फ्रेंच स्लाइस बना रही हूँ। तो ये देखें हमारे जो नाश्ता हो रहा है यहाँ पे डन। और अभी मैं और आज की जो दिन की जो पूरी रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मेरे सिस्टर के बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, और बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बच्चे आए हुए हैं अपनी नानों की तरफ। तो देखिएगा बच्चों की एक्टिविटी भी और बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आज आपको मिलवाएँगे अपने बच्चों से। तो यहाँ पर ये देखें हमारे फ्रेंच स्लाइस जो है बिल्कुल तैयार हो गए, और मैं ये निकाल रही हूँ। तो बस बच्चों की फरमाइश कभी कभी पूरी करनी पड़ती है, एक ही तरह का नाश्ता डेली दिल भी नहीं करता करने को, गर्मी है और गर्मी में अलग अलग वैरायटी का नाश्ता तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ये हमारे जो फ्रेंच स्लाइस हैं वो माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो कोई कह रहा था मैंने मीठे स्लाइस खाने हैं, कोई हलवा पूड़ी की ज़िद कर रहा था। तो आप देखिएगा कि सबके अलग अलग जो है नाश्ता आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मैंने टेबल पर सजा दिया नाश्ता, तो मैं बच्चों को बुला रही हूँ, तो हम करते हैं अब आपसे अगली रूटीन शेयर। तैयार हो के आप किधर जा रही हो, कपड़े दिखाओ। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे कपड़े हैं, सैंडल भी कितनी प्यारी, ऊपर मुंह करो ना, किधर देखो किधर जा रही हो आप, इतनी प्यारी सी, ये देखो आप किधर जा रही हो। नहीं आप सच सच बताओ ना किधर जा रही हो, पापा के पास जा रही हो, पापा के पास जा रही हो ना, पापा घर है, तो किसी पापा के पास जा रही हो लेने आ रहे हैं आपको, आप प्यारी सी ही हो। ये देखो भी कितनी प्यारी लग रही है हमारी हुरैन माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारी सी बेटी है मेरी। ये देखिए इसकी आईज देखे, इसकी नोज देखे छोटी सी, ये कितनी क्यूट क्यूट है, और ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है। हाँ जी अंकल इसको ठीक किया, इसको ठीक किया, ये ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, अच्छा चोट लग गई थी। ओहो कहाँ पे लगी है चोट, दिखाओ चोट, अंकल की इधर चोट पे लगी हुई है, अंकल को
को दर्द हो रहा होगा ना, पेन हो? अच्छा डॉक्टर ने चेक कर लिया था, फिर इंजेक्शन नहीं लगाया डॉक्टर ने? नहीं ज्यादा है, इसको पॉकेट में से लाते। अच्छा मैंने इसको चेक किया। आप कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, मेरा प्यारा बेबी माशाल्लाह। आपका नोनी पप नहीं था ना, आपका गला खराब है बेबी? नहीं खराब कब नहीं है। अच्छा चलो फिर मम्मा अगर फिर डांटेंगे आपको कि ये नोनी पप क्यों दिया इसको। नहीं मम्मा को दिए, अभी नोनी पप आया। अच्छा चलो फिर आप आ जाओगी ना रात को, फिर हमारा दिल नहीं लगेगा है ना आपके बगैर। आप पहले आई हुई हमारे पास तो बप जा रही हूँ, नोनी पप दे दो। ये आपका लॉलीपॉप आ गया मजे मजे का, ये अभी नहीं खाना, कपड़े सारे खराब हो जाएंगे। और ये देखो ये क्या है, ये चॉकलेट है, ये भी आपकी है, मजे की है ना? नहीं अभी नहीं खोलना, अभी सारे ये देखो आपके इतने प्यारे से कपड़े हैं, मुझे तो आपके कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। नोनी पॉप से खराब नहीं करोगी? अगर खराब हो गए फिर क्या करेंगे हम? फिर आपके कपड़े हमें बदलने पड़ेंगे ना। बताओ आज बच्चों को मिल रहा है सरप्राइज पिज़्ज़े का, तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा मैंने मंगवा लिया और बच्चों को करने लगे हैं, देने लगे हैं, तब बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था कि आज पिज़्ज़ा आ रहा है। आज लाहौर का मौसम जो है बहुत ही खुशगवार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब बारिश हो रही है, तो बारिश के साथ साथ लाइट भी गई हुई है, लेकिन चले ये तो चलता है, ज़िंदगी के साथ साथ चल रहा है ये सब कुछ, और हर तरफ ही लाइट जा रही है। तो लेकिन ये है कि मौसम बड़ा सुहाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी ठंडक हो गई है, शुक्र अल्लाह पाक का। देखते हैं किचन में हमारे क्या बन रहा है, तो चलते हैं फिर हम किचन में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ये बन रहा है हमारा रायता। मैंने कहा पहले रायता बना के रख देते हैं, क्योंकि लाइट गई हुई है, जो जो काम हो रहा है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो रायते में सिंपल रायता है, प्याज है और खीरा है, बस दही है, और इन चीज़ों का मैंने रायता बना के फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ पर ये मैं बिरयानी का कौरमा तैयार कर रही हूँ, और लाइट भी गई हुई है, लाइट ने बहुत ज़्यादा आज तंग की है, बारिश की हुई है साथ, ये जो आज इतनी लाइट गई है कि मेरा हाल क्या हुआ, लाइट को काफ़ी देर हो गई, लाइट अभी तक नहीं हमारी आई, तो ये अंधेरे में सारे काम चल रहे हैं, तो ये कोरमा बन रहा है। और जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मिस हो गई है, पूरी रेसिपी नहीं दे सके, और ये मैं बराह रास्त आपको दम से ही दिखा रही हूँ, दम लगाने लगी बिरयानी का। तो बिरयानी हमने बनाई है तय वाली, तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी बिरयानी जो है तैयार हो गई, लुक भी इसकी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की थी। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों बाद मैंने डाला है, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं डाल सकी, तो इंशाल्लाह आगे से रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी। तो बिरयानी जो है देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अभी बच्चे आवाज़ें दे रहे हैं कि खाना दे दो खाना दे दो, और साथ ही हमने ये सारे काम जो हुए हैं अंधेरे में ही हुए। तो ये मैं शामी की टिक्कियाँ भी जल्दी जल्दी से बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि भूख सबको लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये रात की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वक्त, कि बच्चे हैं, बच्चों को भूख जल्दी जल्दी लगती है, खेलते हैं तो फिर थोड़ी देर में इनको भूख लग जाती है। तो इस ये जो शामी बनाई है हमने चिकन और चने की दाल की बनाई है, तो यही जल्दी बन सकती थी, अगर मटन या बीफ की बनाओ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये काफ़ी जल्दी बनती है, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो ये मैंने सारी जो टिक्की हैं तो तैयार करके रख ली हैं, बिरयानी के साथ इसका टेस्ट जो है लाजवाब हो जाता है।
तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये सारी जो हमारी शामी है ये बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये शामी हमारी जो है सारी बनकर तैयार हो गई और अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ऑयल मैंने डाल दिया तवे पे, और बस ये सब जो काम आज के अंधेरे में, और बस गर्मी भी, खैर गर्मी इतनी नहीं थी, मौसम अच्छा हुआ हुआ है, तो ऐसी चीज़ें दिल भी करता है खाने को, लेकिन लाइट हो तो ये है कि फिर गर्मी का एहसास कम होता है। तो खैर ये सब काम हमारे आज के जो रूटीन थी, बस अच्छी भी थी और बुरी भी थी लाइट ना होने की वजह से। तो लाइट तो हर जगह ही जा रही है और बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है। बस दुआ है कि लाइट इतनी ना जाए, सर्दी में बर्दाश्त हो जाती है लाइट, गर्मी में नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमारे सारे शामी जो है बनकर तैयार हो गए। तो अब ये जो खाना है हम लगाने लगे हैं दस्तरखान पर। तो ये देखिए माशाल्लाह यम्मी यम्मी से हमारे शामी बनकर रेडी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में मेरी कोशिश होगी कि अपनी अम्मी को भी दिखाऊँ आपको। वैसे मैंने अम्मी को अपनी उम्र की वीडियो में आपको दिखाया था, तो इंशाल्लाह अम्मी से भी ज़रूर मिलवाऊंगी। तो फिर देते हैं, लगाते हैं खाना, तो देखते हैं बच्चों का क्या है, इनको पसंद आया या नहीं आया। तो अभी खाना लगाने लगे, तो ये देखें हमारे शामी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खाना हमने लगा दिया टेबल पर, और ये देखें शेरजान खा रहा है खाना, और अजवा भी साथ बैठी हुई है। तो शेरजान को बिरयानी और अजवा को बहुत, दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बल्कि सब बच्चों को ही पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। यहाँ पर बच्चे अब खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर मेरा बेटा भी बैठा हुआ है साथ, लेकिन वो सामने नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह आएगा आगे। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।